गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में रुशना और तौसीक कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी वेलकम 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 एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन तौसीक। और मैं आज आपके लिए बड़ी जबरदस्ती एपिसोड लेके आई, क्योंकि इसमें आज बात होने वाली है, बड़ी फन टाइप की बात होने वाली है, एंजॉयमेंट की बात होने वाली है। और तौसीक, आपसे पहले मैं ये पूछूंगी, बगैर इसके कि मैं थोड़ा गैप लूँ या कोई और बातें वगैरह हो, आप मुझे बताएं कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप गाने सुनते हैं या खुद गुनगुनाते हैं? जी बिल्कुल सुनता हूँ, इसलिए कि खुद गुनगुनाने में रिस्क बड़ा ये होता है कि मतलब अपनी आवाज खुद सुन ले तो गाड़ी इधर उधर लग ना जाए। इतना आवाज में दर्द है, इतनी मधुर सुरीली आवाज है कि मुझे फिर ड्राइविंग पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ ये दर्द जो है ना, आज हमें ऑडियंस को भी थोड़ा सा दे देना चाहिए। आज जनाब लाइव जैमिंग होने लगी है, जैसे कि रोशना आपको बता रही है। अदनान कुरैशी और नौमान कलीम आएंगे कुछ गिटार्स विटार्स के साथ, हमने लाइव गाने आपके लिए क्रिएट करने, कुछ पुराने 90s के म्यूजिक में जाएंगे, कुछ पुराने पाकिस्तानी फिल्मों को हम ट्रिब्यूट देंगे, कुछ उनकी बात होगी, कुछ सिंगर्स की बात होगी। और नौमान और अदनान दोनों अमेजिंग जबरदस्त यंग आर्टिस्ट्स हैं। लेट्स सी कि आप भी उनके साथ पुराने गानों को याद करते हुए ज्वाइन करते हैं या नहीं, आप भी घर बैठ के साथ उन गानों को गुनगुना सकते हैं। और क्या है जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होगा और मेरे ख्याल से आप भी साथ साथ गुनगुनाएंगे। ये टास्क मैंने आज ठान लिया है कि तौसीक से जो है ना, हमने आज सिंगिंग करवानी ही करवानी है, तो थोड़ा सा ये भी गुनगुनाएंगे। और इसके साथ साथ तौसीक की ऑफकोर्स मिलियन डॉलर एडवाइस जो है, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमारे होती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब इतनी सारी बातें करते हैं तो कुछ काम की बातें और बहुत अच्छी बातें भी होनी चाहिए, जिससे आपकी रेगुलर लर्निंग भी हो। और बच्चों, आपने हमें ये भी बताना है कि आप वो मिलियन डॉलर एडवाइस कितना फॉलो करते हैं, कितने आप उस पर अमल करते हैं। और साथ साथ एडवाइस के साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो है आपके कार्टून्स, तो वो भी होंगे ऑफकोर्स प्रोग्राम में। और क्या होगा? और ये होगा जनाब के पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर महनूर हमें ज्वाइन करेंगी। पिछले हफ्ते उन्होंने अपना पहला सेगमेंट आपके लिए सजाया था, जो आपने बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और आज महनूर हमें कुछ बता रही हैं कि रिक्रिएट हम कैसे कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई नई चीज हमने घर में खरीद कर नहीं लानी, चाहे वो फर्नीचर हो, कुछ भी हो, एग्जिस्टिंग चीजों के साथ हम क्या खेल खेल सकते हैं कि पूरे कमरे का इंटीरियर या घर की पूरी आउटलुक बिल्कुल ऐसे लगे कि कुछ नया हुआ है। ये सारा मैजिक बगैर कुछ नया किए, नया रंग घर को कैसे दिया जा सकता है, ये आज टिप्स हमें देंगी महनूर। तो आपने जरा तैयार रहना है, वो जो स्लाइड्स लेके आती हैं बड़ी जबरदस्त तस्वीरें होती हैं। कई दफा महनूर को मैंने पिछली दफा कहा और अब्दुल्ला को भी मैं कहा करता था, यार ये वाली तस्वीर दोबारा भेजो, क्योंकि वो इतना खूबसूरत डेकोर होता है कि उसको दोबारा से उस पर रिफ्लेक्ट करने का या उस पर जाने का दिल करता है। तो आप भी टीवी की स्क्रीन पर तैयार हो जाए अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन शॉट्स, आप कोई अच्छा आइडिया महनूर का लगे तो आप उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने स्क्रीन शॉट की बात की और आपने कहा कि अपना मोबाइल फोन तैयार रखें, तो आप और क्या कर सकते हैं जी, आप हमें सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है जी, जल्दी जल्दी अपना फोन उठाना है, हमें मैसेजेस भेजने हैं, पिक्चर्स भेजनी है। अगर आपने खुद कोई घर में चेंजेस लाई हैं या इस तरह की थोड़ी थोड़ी, जो आपका रूम में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटीरियर होगा या फिर बहुत सारी और चीज़ें होंगी जो कि आपको लग रहा होगा कि प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, और आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो भी सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। और आप हमें जल्दी जल्दी मैसेजेस करना शुरू करें। तो आज काफ़ी रिलैक्स किस्म का, जैसा कि रुशना ने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, रिलैक्स एपिसोड है राइजिंग पाकिस्तान का, जो हम आपके लिए सजा के लाए हैं। लेट्स सी, चाहे आप लाइव इस वक्त सुबह देख रहे हैं हमें, या रीरन में शाम 4-5 बजे देख रहे हैं, या बाद में जाके ऑनलाइन देख रहे हैं, जिंदगी की टेंशन्स को जरा करें साइड पे, रिलैक्स, झमेले चलते रहेंगे, परेशानियां चलती रहेंगी। राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके साथ हैं, ऐसे अनवाइंड करें, रिलैक्स 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 रिलैक्स। जी प्यारे बच्चों, वक्त है कि तौसीक अंकल आपके लिए लेकर आए मिलियन डॉलर एडवाइस। ये ऐसा मशवरा होता है जो कि होता तो मुफ्त है, लेकिन अगर आप इन आदात को अपनी जिंदगी का, अपने तर्ज हयात का हिस्सा बना लें, तो आप बहुत सा जिंदगी में आगे चल के, बड़े होके और एज अ चाइल्ड भी, यानी बचपन में भी बहुत से फायदे उठा सकते हैं। और ये मशवरे बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होते हैं और बिल्कुल मुफ्त होते हैं। आज का जो मशवरा है, थोड़ा सा परेशानी
वाला मसला है। परेशानी वाला मसला ये है कि मेरी नज़र से खबर गुजरी कि पेशावर में, पेशावर के एक इलाके में कुछ दुकानदारों ने बच्चों को 50-60 रुपए किराए के ऊपर मोबाइल फोन्स इंटरनेट के साथ देने शुरू किए पर आवर के हिसाब से, और उस पर वो इतनी डेंजरस वायलेंट गेम्स जिसमें पबजी और दूसरी गेम्स शामिल हैं वो खेला करते हैं, इंटरनेट का उन्हें एक्सेस है। छोटे बच्चे, कोई उनको सुपरवाइज नहीं कर रहा कि वो इंटरनेट पे जाके क्या देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, गैर अखलाकी चीज़ें देख रहे हैं, वायलेंट चीज़ें देख रहे हैं। सिर्फ उन दुकानदारों ने 50-60 रुपए की खातिर उन बच्चों के का जो शऊर है, उनका जो जहन है, उनकी जो जहन साजी है, उसके साथ वो खेल गए। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लिया, रेड हुआ और 6-7 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, 3 दुकानें सील हो गई हैं और इस पे कोई कम, जीरो टॉलरेंस। जब पाकिस्तान के बच्चों की बात आती है, जीरो टॉलरेंस। तो ये मिलियन डॉलर एडवाइस भी है, लेकिन साथ साथ आपके साथ ये शेयरिंग भी है कि हमने अपने 50-60 थोड़े से पैसों की खातिर या अपने थोड़ी देर के जहनी सुकून की खातिर, चलो पकड़ो मोबाइल, जाओ लैपटॉप पर बैठो, जान छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए। हम बच्चों के मुस्तकबिल से, उनकी जहनसाजी से खेल रहे हैं। खुदारा बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा आप ये गेम ज़रूर, अच्छी बात है, इंटरनेट का दौर है, लेकिन अपनी एज के मुताबिक आपने देखना है। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि देखें कि जो गेम्स 12 प्लस की हैं वो 12 साल से कम उम्र का बच्चा ना खेले। कुछ गेम्स होती हैं वो 18 प्लस के लिए होती हैं, वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा ना खेले। हमने तो बिल्कुल ही खुला छोड़ा हुआ है, ओ पकड़ो मोबाइल और जो मर्जी करना करो, जान साड़ी छड़ो, टैन टैन लाई हुई है, इससे हमने बचना है। बच्चों आपने भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, तंग पेरेंट्स को नहीं करना। दुकानों पे जाके आपने ये 50-60 रुपए के लिए पर आवर के हिसाब से इंटरनेट की फैसिलिटी लेके और कुछ भी देख रहे हैं, नो नो एंड नो। तो आज के जो तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस थी वो मशवरा कम और डांट ज़्यादा है, ठीक है? और अगर आप इसको डांट समझें, वैसे तो मुझे डांटना आता ही नहीं, मैं डांट भी रहा होता हूँ तो बच्चे हंस रहे होते हैं आगे से, लेकिन आज की बात को आप डांट समझें और एज अ सोसाइटी, एक माशरे की हैसियत से, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है, पेरेंट्स का किरदार है, टीचर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने स्कूल में बच्चों को इनक्रेज करें, बल्कि डिस्करेज करें या इनक्रेज करें कि वो रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ इंटरनेट करें और डिस्करेज करें कि वो हर तरह की गेम्स ना खेलें, हर तरह की वीडियोस ना देखें, ख़ासतौर पे जो वायलेंट कॉन्टैक्ट है, डा 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 खून निकल रहा है, उफ, खुदारा 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 अपने बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों को दूर रखें।